कौन कौन स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठ सकता है, किसको किसको मौका दिया जाएगा, और काउंसलिंग होगा सर, तो काउंसलिंग के आधार पर कब से शुरू हो रही है, ये विभाग कब काउंसलिंग स्टार्ट कर रहा है, काउंसलिंग लिस्ट कब जारी कर रहा है, तो सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, और यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी ईएनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे हैं, परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं और काउंसलिंग होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों पहला सवाल सभी स्टूडेंट का बार बार एक ही सवाल है, सर अगर एग्जाम लिया जाएगा किन साइट, ध्यान से समझिए, अगर एग्जाम तो होगा नहीं, अगर एग्जाम लिया जाएगा तो कौन कौन स्टूडेंट सर इस एग्जाम में बैठ सकता है, क्या सर जिसका स्क्रूटनी हो गया वही स्टूडेंट बैठेगा या 49,000 स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों जिसका स्क्रूटनी हो गया वो भी और 49,000 स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा जो फॉर्म फिलअप किए हैं, और जिस समय स्क्रूटनी हुआ था और आपका जो भी गलत था, जैसे सिग्नेचर हो गया, उसके बाद फोटो हो गया, कुछ भी गलत है, डॉक्यूमेंट आप जो है गलत चढ़ा दिए हैं, स्क्रूटनी जिसका भी हो गया है वे सभी स्टूडेंट को एग्जाम में मौका दिया जाएगा। इसलिए आप लोग को हैरान नहीं होना, क्योंकि एक ही सवाल बहुत सारा स्टूडेंट को हो रहा था, सर अगर किन साइट अगर इसमें एग्जाम लगा दिया जाएगा, अगर एग्जाम होगा विभाग की तरफ से, अगर एग्जाम इसमें होगा तो कौन कौन स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए, जो भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करते वक्त गलत हो गया होगा, कोई भी चीज़ अगर आपको छूट गया होगा और आप स्क्रूटनी को मौका दिया गया था तो आप स्क्रूटनी कर लिए हैं, वे सभी स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा, वे सभी स्टूडेंट एग्जाम में बैठ सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, अगर सर एग्जाम होगा तो कट ऑफ कितना जाने वाली है। तो दोस्तों एग्जाम होगा तो पहले हम आपको बता दिए, निर्धारित किया गया विभाग की तरफ से जो 60 मार्क्स से पूछा जाएगा, प्रश्न आपको रहेगा 60 मार्क्स से जो 0.6 से उसको गुना किया जाएगा, जो मार्क्स आएगा उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होल्डर जो है जो 5 साल अभी किए हैं संविदा पर काम, उसको 25 नंबर इधर से मिलेगा, उसके बाद 60 नंबर इधर से मिलेगा और विभाग देगा, टोटल 100 नंबर का आपका रहेगा और मेरिट उस पर 100 नंबर पे बनाया जाएगा। उसके बाद मेरिट में 65 से 70 नंबर रहने वाला है, जिसका भी सब मिला के 65 नंबर आ जाएगा महिला कैंडिडेट का, वह कोई भी कास्ट का हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो या एससी एसटी हो, 65 अगर आ जाएगा तो वह फाइनल है, उसको ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होना, और एग्ज़ाम तो हर हाल में होने नहीं देंगे, आप उल्टा पुल्टा जितना आपको कमेंट करना है कमेंट कर लीजिए, उल्टा पुल्टा आपको कमेंट करना है, क्यों, क्योंकि हम 49,000 स्टूडेंट के भविष्य के बारे में बात करते हैं, लाइफ से जुड़ा हुआ है, और पीएचडी क्लासेज हमेशा सही और ऑथेंटिक ही वीडियो प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों एग्जाम के बारे में बता दिए, जो एग्जाम होगा तो कौन कौन स्टूडेंट इसमें भाग ले सकता है। चलिए अब बात करते हैं विभाग की तरफ से काउंसलिंग रिगार्डिंग क्या अपडेट निकल के आ रही है। जो नोटिस जारी किया गया, नोटिस में हम आपको दिखाने वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर चलने वाले, अभी चल के आपको दिखाएंगे जो नोटिस क्या आई है। तो हर हाल में एक बात तो आप जो है श्योर जान लीजिए, जो एग्जाम इसमें नहीं होने देंगे। दूसरी बात है, कल जो हम वीडियो बनाए थे जिसमें आप लोग जो है कॉमन कमेंट किए थे, सर अगर एग्जाम होगा तो आपको क्या दिक्कत है, एग्जाम होगा तो सभी को यह भी पता चल जाएगा जो कौन पढ़ने वाला है कौन बिना पढ़ने वाला। तो दोस्तों पढ़ने वाला बच्चा भी का एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको एक महीना बीच में समय देगा तो एक महीना में आप क्या कर पाइएगा, इसलिए एग्जाम तो भूल ही जाइए। उसके बाद काउंसलिंग होगा, तो काउंसलिंग जो 32,000 स्टूडेंट को काउंसलिंग होगा, हर चीज़ होगा, तो सभी स्टूडेंट को ज्वाइनिंग ले लिया जाएगा। हाँ ठीक है, 32,000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, मानते हैं 32,000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, और वैकेंसी कितना है 10,709, ज्वाइनिंग तो 10,709 एक होगा, तो जिसका जो है मार्क्स अच्छा खासा रहेगा, मेट बनेगा, वही स्टूडेंट ज्वाइनिंग करेगा, और एग्जाम में भी जो भी स्टूडेंट बैठेगा तो जो एग्ज़ाम निकाल पाएगा उसका होगा, और जो इधर उधर समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं उसी का होगा, पढ़ के तो कोई नहीं निकाल पाएगा, यह तो डिफिनेट है, क्योंकि एक महीना में कोई ऐसा 30 मार्क खा नहीं है जो निकाल पाएंगे। चलिए आगे हम आपको बता रहे हैं विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई, ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। देख लीजिए दोस्तों विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख लीजिए, btsc.bih.nic.in है ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आए हुए हैं। तो जो नोटिस अभी आई है देख लीजिए, ITI के रिगार्डिंग जिसका एग्जाम होगा उसी का नोटिस है, देख लीजिए, दूसरा नोटिस अभी तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इससे पहले जो है आयुष मेडिकल ऑफिसर का जो काउंसलिंग हुआ था उसका दे रहा है, इसी में वो होम्योपैथिक था, देख लीजिए होम्योपैथिक था, आयुष मेडिकल ऑफिसर था, उसके बाद आगे देख लीजिए यहाँ पर सारा चीज़, देखिए होम्योपैथिक हो गया, आयुष मेडिकल ऑफिसर हो गया, और एक और होगा, देखिए ये तीनों का जो है काउंसलिंग जो कि समाप्त हो चुकी है, उसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम होने के बाद ध्यान समझ लीजिए, या ITI का जो है एग्ज़ाम होने के बाद, उसके बाद ही फिर से अभी बहुत सारा पेंडिंग है वैकेंसी BTSC के पास, सबसे बड़ा तो अभी ANM को लेके है, जो कि कल भी हम आपको बताए थे, जहाँ से हमें पता चलता है सब कुछ चलता है, अंदर में कुछ नहीं चल रहा है। एग्ज़ाम को लेके कोई भी ऐसा कुलकुलाहट नहीं है, अंदर में कोई ऐसा सुगवाहट नहीं है,
एग्ज़ाम को लेके, इसीलिए आप लोग को हैरान नहीं होना है। या वीडियो बनाने का मेरा यही रीज़न था, जो स्टूडेंट बोल रहे थे अगर एग्ज़ाम होगा तो क्या किया जाएगा, कौन कौन स्टूडेंट एग्ज़ाम में भाग ले पाएंगे, इसीलिए हम वीडियो बनाए। क्लियर कट हम आपको बता दिए, जो भी स्क्रूटनी करवाए होंगे, जो भी सुधार कर लिए होंगे फॉर्म, वो सभी स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा। आप चाहिएगा सर 49,000, हाँ 49,000 के स्टूडेंट अगर सही है, 49,000 स्टूडेंट के फॉर्म सही है, सही से वो फिलअप किए होंगे, सभी को मौका दिया जाएगा एग्ज़ाम में बैठने का। और हमेशा याद रखिएगा, आप कहिएगा सर आप तो बोल रहे थे एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर एग्ज़ाम के बारे में बता रहे हैं, या स्टूडेंट के द्वारा सवाल पूछा गया है वही सवाल का हम आंसर आपको दे रहे हैं। एग्ज़ाम तो हाल हाल में नहीं होने देंगे, और आप लोग अगर सपोर्ट रहा तो एग्ज़ाम में नहीं होने देंगे। अगर एग्ज़ाम होगा, हर चीज होगा, तो केस होगा कोर्ट में, और कोर्ट में केस होगा तो हम लोग जीतेंगे, थोड़ा यही होगा जो डिले होगा, क्योंकि अभी देखिए आए दिन अभी पेपर से आपको जो है पता चलता होगा, उसके बाद जो है विभाग की तरफ से कोई अपडेट नहीं निकल रहा है। और आउटसोर्स जो हम आपको बताते हैं, जो आउटसोर्स से जो है जानकारी मिल पाती है, बस यही जानकारी अभी मिल पाती है, और स्टूडेंट द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे बिहार में स्टूडेंट अभी ANM का स्टूडेंट परेशान है, क्योंकि सभी को पता है जो इसमें एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। तो जो अभी अपडेट निकल के आई है, एग्ज़ाम होगा तो कौन कौन स्टूडेंट्स में भाग ले सकते हैं, कट ऑफ कितना जाने वाला है, किसका जो है इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा, सभी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। और विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है वो भी हम आपको बता दिए हैं। आप लोग को हैरान नहीं होना है, PhD की क्लासेज आपके साथ है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और एक प्लानिंग बना रहे हैं, 1 सितंबर को फिर से हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं पटना निकलने का, तो इस बार हम खुद रहेंगे, तो 1 सितंबर के फिर से हम लोग पटना निकलेंगे, और इस बार हम खुद रहने वाला है। इसलिए कितना स्टूडेंट मेरे साथ चल रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप प्लानिंग बना चुके हैं, हर चीज़ कर चुके हैं हम, 1 सितंबर को हम लोग निकलने वाले हैं। देख लीजिए 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, जो भी हो सभी स्टूडेंट हमको कन्फर्म बताइए, और डेट भी डिसाइड कीजिए हर चीज़, क्योंकि अब हम पूरे स्वस्थ हो गए, हर चीज़ हो गए, हम चलेंगे, और इस बार हम साथ में रहेंगे। आपको आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप हमारे साथ है या नहीं, आप मेरे साथ चल रहे हैं पटना की नहीं, सारी जानकारी इस वीडियो में बता दिए। जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और एकजुट कीजिए सभी स्टूडेंट को। हम ANM के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, वह व्हाट्सएप ग्रुप आज हम यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइए, और कमेंट करके बताइएगा आप मेरे साथ है या नहीं। थैंक यू।